हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है और साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके माध्यम से जो है आइडेंटिटी थेफ्ट का जो इशू है वो सामने नजर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें तो हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आए। ये अगर आप प्लेलिस्ट पे किस तरीके से क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आपको जाना है, आपको आना है इग्नू बीकॉम न्यू में। ठीक है, आप न्यू कोर्स में एडमिटेड हो तो आप इग्नू बीकॉम न्यू में आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इग्नू बीकॉम न्यू में क्लिक करोगे, आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको एक तरीके से सुन करके, पढ़ करके, स्टडी करके आप बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में ला पाओगे। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। वेबसाइट को फॉलो करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट को फॉलो करने का फायदा ये है कि जो चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उन सब चीजों का नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप उन सारी चीजों को वहां पे पढ़ पाओगे। जैसे यहाँ पे आप वीडियो सुन पा रहे हो, वहां पे आप चीजों को पढ़ पाओगे और आप बहुत ही आसानी से एग्जाम की प्रिपरेशन अपनी कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है ना, देखते हैं फिर। सो द आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स साइबर क्रिमिनल्स इलीगली एक्वायर क्रेडेंशियल्स ऑफ इनोसेंट यूजर्स एंड यूज देयर क्रेडेंशियल्स टू डू ऑनलाइन साइबर क्राइम बाई हाइडिंग देयर एक्चुअल आइडेंटिटी एंड यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर इनोसेंट यूजर्स। है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब हो गया कि ऑनलाइन इलीगली लोग आपके क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके, मतलब लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल करके, लोग आपके लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल करके वो क्राइम करते हैं। ठीक है, वो अपनी एक्चुअल आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि आपकी एक्चुअल आईडी का इस्तेमाल करके आपके नाम पे वो क्राइम करते हैं। तो कुछ अगर इश्यू होती है तो उसमें आप फंस जाते हो, है ना, आप समझ रहे हो। तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब यही हो गया कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इलीगली आपके क्रेडेंशियल्स को एक्वायर कर लेते हैं और एक्वायर करने के बाद वो साइबर क्राइम करते हैं बाय हाइडिंग देयर एक्चुअल आइडेंटिटी, जहां पे वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करते और जो इनोसेंट यूजर्स हैं उसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए वो साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। इट इज द क्रिमिनल एक्ट ऑफ इलीगली एंड डिसेप्टिवली अज्यूमिंग द आइडेंटिटी ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट देयर एक्सप्रेस्ड कंसेंट विद द इंटेंट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। है ना, तो ये एक तरीके से इलीगली और डिसेप्टिवली, मतलब अगर रिज्यूम किया जाए तो एक बहुत ही इलीगल एक काम होता है, क्रिमिनल एक एक्ट होता है, जहां पे आप किसी की मर्जी के बगैर आप उसके क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करते हो और आप सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं करते बल्कि इस्तेमाल करके आप कोई साइबर क्राइम करते हो। तो वो इलीगली जो है वो एक तरीके से होता है, वो इलीगल होता है और कानून की नजर में भी वो क्रिमिनल क्रिमिनल वाली जो है एक्टिविटी होती है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रॉडुलेंट एंड इलिसिट अटेनमेंट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन थ्रू द यूसेज ऑफ अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स। है ना, अब इसमें जैसे कि आप अगर किसी अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स पे जाओगे तो वहां पे हो सकता है कि आपसे बहुत सारी जानकारी मांगी जाए, राइट। तो वहां पे सपोज आपने कोई जानकारी गलती से शेयर कर दी, तो इस तरह की चीजें जो है वहां पर भी होती हैं। आप अगर अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स में जाओगे तो फ्रॉड करके एक तरीके से जो है इलिसिट वे में आपसे जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है, जो कि सही नहीं होता है। Through the use of stolen documentation attained upon illicit means of electronic acquisition, individuals can fraudulently assume the identity of the others in order to engage in a fraudulent purchase and illicit economic gain by using internet. समझ रहे हो आप? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अनसिक्योर्ड वेबसाइट का इस्तेमाल करके लोग आपके क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल कर लेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो आपको फ्रॉड पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि वो लोग जो डॉक्यूमेंट आपसे स्टोल कर रहे हैं, जो आपसे चुरा रहे हैं उन डार्क वेबसाइट्स के माध्यम से, अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स के माध्यम से, उसका इस्तेमाल करके वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं इन द नेम ऑफ योर्स। ठीक है ना, आपके नाम पे परचेजेस वो कर लेंगे, आपके नाम पे वो इकोनॉमिक गेन पहुंचा लेंगे खुद को, लेकिन सारा का सारा नुकसान जो है वो आपका हो जाएगा क्योंकि आपका जो क्रेडेंशियल है उसका इस्तेमाल करके वो सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है ना, इन अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स में अगर बोले आइडेंटिटी थेफ्ट, इसको भी कलर कर देता हूँ। In other words, identity theft is also known as identity fraud and is the act of a person obtaining information illegally about the someone else without consent. एक ही चीज को वापस से बोला गया है कि अगर other words में बोला जाए तो identity theft का मतलब होता है कि एक identity fraud, जहाँ पे एक व्यक्ति जो है अपना चीजों का इस्तेमाल ना करके दूसरे की जो आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल करके जो है वो इलीगली, विदाउट कॉन्सेंट, वो जो है साइबर क्राइम को अंजाम देता है। द
hackers try to find out information about users such as full name, maiden name and address, date of birth, UID, password, phone number, email and credit card numbers and CVV number etc to harm the users. ये वो सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया जो कि वो लोग इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं अपने पास और इकट्ठा करके आपको जो है नुकसान पहुंचाने तो आपको नुकसान पहुंचाया जाता है. कौन कौन सी चीजें हैं? आपका नाम, आपका एड्रेस है ना, आपका फुल नेम, मिडिल नेम, यूआईडी जो होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, डीसीआई, आई डोंट नो क्या है, पासवर्ड वगैरह हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट का सीवीवी नंबर हो गया. ये वो सारी चीजें जिसके माध्यम से वो आपको एक तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना. यहाँ पे छोटा सा और एक है पैराग्राफ, मैं उसको और रीड नहीं कर रहा हूँ. अब चले आते हैं इसके मेथड्स की तरफ में, ठीक है ना, कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके माध्यम से वो लोग जो है इस क्राइम को अंजाम देते हैं, ठीक है. सो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट प्लीज मेक श्योर दैट द कनेक्शन इज इंक्रिप्टेड. आप जब भी किसी भी इंफॉर्मेशन को, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जब भी आप किसी वेबसाइट पे डालें तो कोशिश करें ये चेक करने की कि आपका जो कनेक्शन है वो इंक्रिप्टेड है. इंक्रिप्टेड मतलब एक तरीके से कोई देख नहीं पाएगा आसानी से, सिर्फ आप ही देख पाओगे, कोई और नहीं देख सकता, है ना. आपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में आपने सुना होगा मैसेज जो है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, कोई और उसको वॉच नहीं कर सकता. इंक्रिप्ट का मतलब होता है पासवर्ड से लॉक हो जाना, लॉक किया हुआ रहना कि कोई उस चीज का जो है इस्तेमाल ना कर सके. तो ये पहला मेथड है जिसके जरिए आप प्रिवेंट कर सकते हो आपके आइडेंटिटी थेफ्ट होने से. अवॉइड स्टोरिंग क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वेबसाइट इफ यू डू ऑनलाइन शॉपिंग ओवर द इंटरनेट. मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, घर में भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो देखना जब भी आप डेटा डालोगे ना तो गूगल भी समटाइम आपसे पूछता है कि आप क्या इसको सेव करना चाहोगे. वेबसाइट्स आपसे पूछती है कि क्या आपने इस पासवर्ड को सेव करना चाहोगे ताकि इन फ्यूचर आप बहुत ही आसानी से कर सकें. कभी भी सुन लो, कभी भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड किया, फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है उसको आपको सेव नहीं करना है, है ना. हर बार मैं डालूंगा, हर बार मैं परचेस करूंगा, जब जब मैं डालूंगा मैं तब तब जब जब मैं परचेस करूंगा तब तब मैं डालूंगा. सिंपल सा नियम बना लो, कभी भी अपनी जानकारी इस तरह से नहीं देनी चाहिए. डू हैव एन एक्टिव एंड अप टू डेट स्पाईवेयर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, है ना. तो यहाँ पे जो स्पाईवेयर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, ये आपके फोन में होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए ताकि कोई भी अगर वायरस अटैक करता है, कोई भी अगर स्पाईवेयर अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो एक तरीके से जो आपका स्पाईवेयर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर है वो आपको एक तरीके से बता देगा कि देखो भाई ये दिक्कत हो रही है, ठीक है ना. अगला है मेक योरसेल्फ अवेयर अबाउट द फेक ईमेल्स एंड फिशिंग ईमेल्स दैट क्लेम टू बी अ कंपनी, है ना. तो आपको खुद को अवेयर बनाना पड़ेगा कि आपके पास जो फेक ईमेल्स आ रही हैं, फिशिंग ईमेल्स आ रही हैं, आप उस चीज को समझो ठीक तरीके से और उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो. उन सारी चीजों को आप स्पैम में डाल दो, है ना, या रिपोर्ट कर दो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को अवेयर करके रखो कि कौन कौन सी ईमेल्स फेक हो सकती हैं, कौन कौन सी फिशिंग ईमेल्स हो सकती हैं. पांचवा मेथड है नेवर यूज अननोन एंड अनसिक्योर सिस्टम एंड स्मार्टफोन्स. कभी भी अननोन अनसिक्योर सिस्टम और अननोन स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसा कोई स्मार्टफोन जो कि आपका नहीं है, किसी और के स्मार्टफोन में कभी भी लॉगिन आईडी वगैरह नहीं डालना चाहिए और अपने कभी भी किसी भी तरह का यू नो अननोन या फिर अनसिक्योर सिस्टम का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. छठा पॉइंट है ऑलवेज हैव अ स्ट्रांग पासवर्ड एंड कीप आंसर ऑफ द सीक्रेट क्वेश्चन अनगेसेबल, है ना. तो आपके पास ये भी आपको बोला जा रहा है कि आपको देखो अपना जो पासवर्ड जो भी आप डालोगे तो उसको स्ट्रांग डालना है, वीक पासवर्ड नहीं डालना है. वीक, मीडियम पास और स्ट्रांग, तीन तरह के यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं. तो स्ट्रांग पासवर्ड मतलब थोड़ा लंबा पासवर्ड डाल लो, अल्फा न्यूमेरिक वे में डालो, स्पेशल कैरेक्टर डाल लो दो तीन, तो इस तरीके से आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा, राइट. और जो भी आंसर्स हैं आपके यू नो अनगेसेबल जो क्वेश्चन है जो कि लोग आपके बारे में याद नहीं रख सकते हैं, उस आंसर को आप पता करके रखो ताकि कभी अगर दिक्कत पड़े तो वो आंसर आप दे करके आप लॉगिन को कर पाओ, ठीक है. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग आइडेंटिटी थेफ्ट. मैंने आपको अभी आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है और उसके मेथड्स के बारे में बताया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें. बाय बाय, थैंक यू.